नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बर्बेरिस एक्विफोलियम जो मेडिसिन होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, वो माउंटेन ग्रेप से बनी हुई होती है। इस माउंटेन ग्रेप में दो एक बहुत अच्छे अल्कलाइड होते हैं जो स्किन पे बहुत अच्छा काम करते हैं दोस्तों, बर्बेरिन और टैनिनस। ये दोनों अल्कलाइड स्किन की कंडीशन को हेल्दी बनाते हैं। सोरेसिस, एक्जिमा पर भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है। लेकिन दोस्तों, इस माउंटेन ग्रेप को यदि आप कच्चे में या रॉ फॉर्म में खाएंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए होम्योपैथी में इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को इन्हेंस करके एक मेडिसिन बनाई गई है जिसे कहते हैं बर्बेरिस एक्वाफोलियम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बर्बेरिस एक्वाफोलियम के बारे में, वो कैसे हमारी स्किन को हेल्दी बनाती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसको कैसे लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब शरीर के किसी भी हिस्से की स्किन या त्वचा में, स्पेशली फेस पर, कोई पिंपल्स हो जाता है या कोई भी बीमारी हो जाती है, तो केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काम नहीं चलता है, होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन जरूरी है। जब चेहरे पर पिंपल्स या मुहासे हो गए हों और वो मुहासे नेक तक, शोल्डर तक, छाती तक फैल गए हों, और वो मुहासे पस वाले भी हो सकते हैं और बिना पस वाले भी हो सकते हैं, तब बर्बेरिस एक्वाफोलियम दी जा सकती है। नंबर टू, यदि पेशेंट को काली और सफ़ेद कीले हो गए हैं, उन्हें हम ब्लैक और वाइट कॉमेडोन्स भी बोलते हैं, यदि चेहरे पर या शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर ये हो गई हैं तो भी बर्बेरिस एक्वाफोलियम अच्छा काम करती है। जब बहुत देर तक धूप में काम करने के कारण या दूसरे अन्य किसी कारण से चेहरे पे, शरीर पे झाइयाँ हो गई हैं, सनबर्न हो गए हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया है, डार्क कलर के स्पॉट्स हो गए हैं, तो भी बर्बेरिस एक्विफोलियम दे सकते हैं। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में बोरिक साहब ने क्लियर लिखा है कि बर्बेरिस एक्विफोलियम कॉम्प्लेक्शन को भी क्लियर करती है। जब सिर की त्वचा पे बारीक बारीक दाने हो गए हों, जिन्हें हम इरप्शन बोल सकते हैं, यदि वो धीरे धीरे सिर की त्वचा से बढ़ते हुए नेक पे आ जाते हैं, शोल्डर पे आते हैं, छाती पे आते हैं और चेहरे पे आने लगते हैं और फोरहेड पे भी आने लगते हैं, कभी कभी उनको हम टाइनी बम भी कह सकते हैं, तो यदि इस तरह की तकलीफ होती है तो भी यह मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि बर्बेरिस एक्वाफोलियम काम कैसे करती है। जब भी हमारी स्किन किसी भी कारण से, चाहे वो मौसम का बदलना हो या कोई बीमारी के चलते हो या कोई कमी हो गई है, तो यदि हमारी स्किन में ड्राइनेस आती है या सूखापन आता है, उसके कारण क्या होता है, हमारी चमड़ी पे या त्वचा पे इरिटेशन आने लगता है, खुजली आने लगती है, खुश्की होने लगती है और उसके कारण हमारे शरीर पर खुजली चलने लगती है। खुजली चलने के कारण धीरे धीरे वहां पर जब आप खुजली करते हो तो ड्राई इरप्शंस आने लगते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं, स्किन सूखी हो जाती है और वो ड्राई इरप्शन धीरे धीरे या तो सोरेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा या ड्राई एक्जिमा में या फिर वेट एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि इस ड्राइनेस की कंडीशन के टाइम ही संभाल लिया गया और बर्बेरिस एक्वाफोलियम टाइमली शुरू कर दी गई, तो ये ड्राइनेस यहीं पे रिकवर हो जाएगी और ये किसी दूसरी बीमारी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। अब हम बात करेंगे कि इस मेडिसिन को लेना कैसे है। दोस्तों, इस मेडिसिन को लेने का एक बेसिक तरीका यह है कि जो बर्बेरिस एक्वाफोलियम का जो मदर टिंचर होता है, वो 8 to 10 ड्रॉप्स इन हाफ कप वाटर में दिन में 2 बार लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, उसकी सीरियसनेस अलग अलग होती है, इसलिए हर पेशेंट में पोटेंसी और डोजेस पेशेंट के अकॉर्डिंग तय किए जाते हैं। इस मेडिसिन को आप मदर टिंचर के फॉर्म में भी ले सकते हैं या पिल्स फॉर्म में भी ले सकते हैं। यह मेडिसिन स्किन की हर कंप्लेंट पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों, यदि बर्बेरिस एक्वाफोलियम पे बनाया हुआ यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके स्किन की कंप्लेंट को समझने में हेल्प मिली है, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।